ग्राम पंचायत में सरपंच पद के नामांकन अभी दाखिल हो रहे हैं और हम अभी भुआणा पंचायत खड़े हैं। कम से कम 7 से 8 जो प्रबल दावेदार हैं वो यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। 3 बजे तक का जो समय है उसके बाद बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कितने नामांकन यहाँ पर दाखिल हुए हैं। बात करेंगे अगर इस पंचायत की, तो चोरडिया वर्सेस चित्तौड़ा का जो मुकाबला है वो यहाँ पर पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। अभी हमारे साथ यहाँ पर सरपंच पद के दावेदार हैं, इनसे जानेंगे। सर, आपका नाम बताएं और ये बताएं कि क्या प्रमुखताएं रहेगी आने वाले 5 साल के लिए, आपकी जनता को क्या सौगात दे पाएंगे, क्या कुछ हो पाए। सर, मेरा नाम ललित चोरडिया है, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हूँ सरपंच पद के लिए। और मेरी सबसे जो प्रमुख जो मेरा एजेंडा है कि मेरा गाँव क्या पेराफेरी में है UIT के, और मेरे गरीब लोग जो बसे हुए हैं बरसों से, तो वो जिन ज़मीनों में बसे हुए हैं वो UIT के नाम पे हो गई है, और अब उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो इतने पैसे दे के उनसे पट्टे ले। तो हम UIT से NOC लाएंगे ग्राम पंचायत के नाम की, और उन लोगों को हम 200 रुपये जो भाभी पट्टे होते हैं है वो देने का काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम मेरा ये है, और एक रत्नागिरी पहाड़ है उसको डेवलप करना है। रत्नागिरी पहाड़ को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हज़ारों पौधारोपण वहाँ पर किया गया, और उसके बाद उस पर्वत का क्या हुआ, थोड़ा आप बताएं खुल के कि क्या हो पाया उस। सर, उस पर्वत का पिछली सरकार ने कोई रखरखाव नहीं किया और वो सब पेड़ ख़त्म हो चुके हैं और बिल्कुल उजाड़ हो चुका है। अब नए सिरे से उसको अब हम देखेंगे, उसका काम करवाएंगे। और एक प्रमुख समस्या है जो है मेरे गांव में, जो गरीब लोग हैं उनको एक बड़ा सामुदायिक भवन नहीं है, और महिला स्नानागर तो एक भी नहीं है, तो कम से कम 4 महिला स्नानागर बनाएंगे और एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाएंगे। सर, आपके ग्राम पंचायत में क्या इंटीरियर वाले जो गांव हैं या अंदर की तरफ की जो जगह है, क्या वहां तक मूलभूत आवश्यकताएं लोगों को मिल पाई है? बिजली, पानी, सड़क की अगर बात करें तो क्या मूलभूत आवश्यकताएं उनकी पूरी हो पाई है? सर, जो बस्तियां हैं मेरे गांव की, जो कॉलोनियां हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बस्तियां हैं गाँव की उसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। तो कैसे पूरा कर पाएंगे? सर, वो अभी UIT जो भी हमारा चेयरमैन आएगा तो उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे और पानी की टंकियाँ लगवाएंगे वहाँ। सर, अभी जो वर्तमान सरपंच है उससे पहले शायद आप ही की पत्नी यहाँ पर सरपंच रही है, तो क्यों आवश्यकताएं अधूरी रह गई? सर, मेरी पत्नी सीमा चौधरी सरपंच रह चुकी है, और उस समय जो विकास हुआ वो अब इन 5 सालों में नहीं हुआ। मैंने उस समय 35 पनघटे लगवाई थी, लेकिन गांव बहुत बड़ा है, वो और आवश्यकता उस चीज़ों की वो पूरी करूँगा मैं। तो सर, आने वाले 5 साल क्या छोटे पड़ जाएंगे? क्योंकि आप ही ने भी बताया गाँव बड़ा है, पिछले 5 साल का एक बार कार्यकाल आप संभाल भी चुके हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकताएं अभी अधूरी है, तो क्या आने वाले 5 साल भी कम पड़ेंगे? सर, 14,500 की वोटर है और करीब 25,000 आबादी है, तो इस हो सकता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस कार्यकाल में कंप्लीट समस्याएं खत्म हो जाए। 17 वार्ड हैं और 15,000 के करीब वोटर्स हैं, कैसे समय दे पाएंगे? क्या उनको कभी शिकायत का मौका मिलेगा? क्योंकि फिर से 5 साल बाद हम आपके वार्डों में आएंगे, आपके गांवों में आएंगे, आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, जनता को बताएंगे, तो क्या उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? सर, बिल्कुल पूरा खरा उतरेगी, क्योंकि मेरे जो 17 वार्ड जो हमने खड़े किए हैं वो बहुत ही मजबूत और प्रबल दावेदार और समझदार दावेदार हैं, और वो खुद फील्ड में इतना अच्छा काम करेंगे और मेरा सहयोग पूरा उनके साथ रहेगा, और वो जो भी समस्या लाएंगे मैं पूरा हर तरीके से उसका समाधान कर दूंगा। मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी आपके कार्यकाल में अगर आप जीत जाते हैं? सर, आज कांग्रेस का है और कांग्रेस का सरपंच हूँ, तो 100% पूरी कर दूंगा। गाँव वालों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा? नहीं, इस बार तो नहीं मिलेगा। पक्का है। अपनी जीत को कैसे देखते हैं? सर, एक तरफा जीत है, कांग्रेस का मैं एक ही प्रत्याशी हूँ, बीजेपी के 4 प्रत्याशी हैं, एक तरफा जीत है। बिल्कुल जीत जाएंगे, 100%। उदयपुर न्यूज की शुभकामनाएं आपके साथ है। उदयपुर न्यूज आपको फिर किसी सरपंच से मिलाएगा और जानेंगे कि क्या इनके चुनावी वादे हैं, क्या 5 साल में करने वाले हैं और क्या कुछ नहीं हो पाया पिछले 5 साल में। आपको फिर किसी नए सरपंच के पास ले चलेंगे और बताएंगे किस तरह से आप अपने वोट का उपयोग कर सकते हैं। एक बार फिर कहता हूँ, आपका मताधिकार आपका उपयोग है, सोच समझ कर उपयोग करें। हम आपको सहयोग करेंगे कि किसको आपको वोट देना है और किसको आपको वोट नहीं देना। सोच समझ के मतदान करें, लेकिन मतदान करने अवश्य जाएं। फिलहाल दीजिए अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन जोन परमार के साथ इजाजत। नमस्कार।